हाय, दिस इज अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सबको पता है दोस्तों कि अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। कुछ स्कूल्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और कुछ ऑलरेडी कंडक्ट करा चुके हैं। तो आज मैं जो ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने, वो है कैसे हैंडल करें एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस को। जो एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, किस तरीके से पेपर दें, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करें उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझसे जानेंगे कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को टेंशन होती है, तो क्या ये होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। मेरी समझ से टेंशन होना, स्ट्रेस होना बुरा नहीं होता। कहते हैं ना कि कुछ भी अगर हम करें, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये हमें पुश करती है। तो ठीक है, अगर मैं अपने स्कूल डेज की बात करती हूँ तो मैं याद करूँगी कि मैं अगर सारे एग्ज़ाम को हटा दूँ तो शायद मैंने 20% भी पढ़ाई अगर की होगी, तो उस 20% पढ़ाई में अगर मैंने एग्ज़ाम को हटा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होते और मैं उन एग्ज़ाम को नहीं दे पाती। तो कोई भी एग्ज़ाम हम सबको पढ़ने के लिए जो प्रेशर डालता है, और उसी पढ़ाई से हमें नॉलेज मिलती है, और जब आपके पास वो नॉलेज आती है या नॉलेज होती है तो आप उसी से कॉन्फिडेंस बनते हो, यानी कि आपको वही आप में जो कॉन्फिडेंट बनाने में आपकी हेल्प करती है, तो वही नॉलेज करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है हमारे जो माइंड में रहता है पढ़ाई के टाइम, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बुरा नहीं है, अगर हम उसको अच्छे पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं हमें मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा बनाना, मजबूत बनाने का काम करता है, जो किसी भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सीधी सी बात कहें तो अगर हमारी लाइफ में एग्ज़ाम नहीं होते तो शायद, अगर मैं अपने ऊपर बात करूं, तो मैं आज आपके सामने वो कुछ नहीं कर पाती जो मैं कर पा रही हूं। तो ये बहुत एक सिंपल सी बात है। एग्जाम हमें प्रेशर में काम करना सिखाते हैं और हमें स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं, और बुरी से बुरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए ये भी हमें एग्जाम ही सिखाते हैं। तो हमें सेलेक्टिव होना सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, और ये सभी चीज़ें हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, हम कैसे ये सोचें कि एग्ज़ाम बुरे हैं, एग्ज़ाम अच्छे होते हैं? अगर हम एग्ज़ाम को एक अलग तरीके से हैंडल करें तो शायद हम स्ट्रेस, टेंशन जो हम सबको होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही तरीके बताती हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो सच में आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम सबसे पहली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे अच्छे हैं ये एग्ज़ाम, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। आप हमेशा एग्ज़ाम को उस कड़वी मेडिसिन की तरह देखें जो खाने के बाद बहुत कड़वी होती है, मगर वो हमेशा हेल्दी बना देती है, स्वस्थ बना देती है, और हम ठीक हो जाते हैं और उससे हमें आराम मिल जाता है। ठीक वैसे ही हमें अपने एग्ज़ाम को देखना चाहिए, जो कि हमें एग्ज़ाम के टाइम में अगर हम ये सोचें कि ये हमारे लिए कड़वे हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें स्ट्रेस देते हैं, हमें टेंशन देते हैं, तो हम मेडिसिन की तरह इन्हें खाएं, यानी कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में और पॉजिटिव फीलिंग लाएं उसके लिए, और खुश होकर हम उनका वेलकम करें, उन एग्ज़ाम का वेलकम करें जो कि अच्छे हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से एग्जाम हमारे लिए सच में बहुत अच्छे हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम की तैयारी मजे मजे में करें। है ना, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे मजे मजे में करें, एग्जाम की तैयारी कोई मजे मजे में होती है? जी हाँ, तो हमारा ये पॉइंट नंबर 2 है कि एग्जाम की तैयारी मजे मजे में करें, एग्जाम की तैयारी को भी एंजॉय करें। जैसे कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, नई ड्रेस खरीदते हैं उसके लिए, और किसी फेस्टिवल के लिए नई ड्रेस खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो पूरी तैयारी करते हैं फेस्टिवल के लिए, तो ये भी हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम इसकी तैयारी भी किसी फेस्टिवल की तरह करें कि नहीं, अब एग्जाम आएंगे तो हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल इसकी तैयारी फेस्टिवल की तरह करनी चाहिए। और जैसे कि अलार्म लगा के सोना, अलार्म लगाइए, सुबह का अलार्म, कब आपको उठना है, टीवी, मूवीज, क्रिकेट मैचेस, जो भी आप देखते हैं या जो आप गेम्स खेलते हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए आप उनकी कुर्बानी दे दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। बस ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ब्रेक लेना है आपको, थोड़े टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना है। फिर आप जॉइंट स्टडीज के लिए बैठ सकते हो, घर में और सारे मेंबर्स हैं, अगर कोई और बड़े भाई बहन हैं तो आप उनके साथ ग्रुप में बैठ सकते हो, अपने फ्रेंड सर्किल है अगर आपका कोई इस तरीके का, जिनके साथ आप पढ़ना पसंद करते हो, डिस्कशन करना पसंद करते हो, तो आप उनके साथ जॉइंट स्टडीज के लिए बैठ सकते हो। ये सब डेली रूटीन से बिल्कुल अलग हटके होता है,
और इसका मजा है, तो इन ये जो पल हैं, जो मोमेंट्स हैं, इनको एंजॉय करो, ना कि इनको बर्डन समझो और स्ट्रेस की तरह लो। तो ये जो है एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल एंजॉय करनी चाहिए कि जैसे एक फेस्टिवल को एंजॉय करती हूँ। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपना बेस्ट देना। थर्ड पॉइंट है अपना बेस्ट दीजिए, बस ये सोचिए कि हमें बेस्ट देना है अपना। पूरे साल भर अगर आप नहीं पढ़ते हो और आप ये सोचो, भले ही आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप ये सोचो कि बिना एफर्ट किए हम पूरे साल में हमने कोई एफर्ट नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करी और हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे, हमने कोई टाइम टेबल भी नहीं बनाया, तो आप क्या सोचते हो कि एकदम से आप बिना ये सब कुछ किए आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे होम एग्जाम हो तो आप एक साथ सारा कुछ आप हैंडल कर सकते हो? ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपना टाइम टेबल इस तरीके से क्रिएट करें, ये देखें कि आपके पास कितना टाइम है, अब कितने महीने बचे हुए हैं, कितने मंथ बचे हुए हैं आपके पास, आप उसमें कितनी, आप भले ही एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप उसमें कितनी एफर्ट और डाल सकते हैं, तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरे बच्चों के बारे में मत सोचिए या दूसरे लोगों के बारे में मत सोचिए कि किसने कितना रिवाइज किया है, कितना पढ़ा है, आपको किसी से क्या मतलब है। आप अपने आप को देखिए, क्योंकि आपका जो, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, आपको जो तैयारी करनी है अपने लिए करनी है, आगे लाइफ में जो करना है अपने लिए करना है, तो इससे आप दूसरे से कंपेयर करोगे अपने आप से कोई फायदा नहीं होगा। और जो आने वाला टाइम होगा आपको शायद पता भी नहीं होगा, जो आप चाहे टेंथ के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ट्वेल्थ के हों, चाहे इलेवेंथ के हों, चाहे नाइन्थ के हों, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हों या कॉलेज गोइंग ही क्यों ना हो, आपको क्या पता आप कितनों के संपर्क में आगे रहने वाले हैं, कितने लोग आपसे कॉन्टेक्ट रखेंगे, कितने लोग आपको नहीं, आपको किसे दिखाना है? आपको ना तो अपने मार्क्स किसी को दिखाने हैं, ना ही आपको अपनी पढ़ाई किसी को दिखानी है, जो करना है अपने लिए करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक वर्ड कभी भी ये सोचने के लिए किसी को मत छोड़ो, या अपने लिए लाइफ में जब आप कभी पीछे मुड़ के देखो, आप जब बड़े हो जाएं, आप आफ्टर दैट एज कि आप पीछे मुड़ के जब देखें तो ये शब्द कभी भी आपके माइंड में नहीं आए, काश मैंने उस टाइम पढ़ाई की होती, काश मैंने उस टाइम अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती, काश मैंने ऐसा सब कुछ नहीं किया होता। ठीक है, तो ये वर्ड अपने लिए फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ना सोचें और अपना बेस्ट देने की सोचें। कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, फेल भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यकीन मानो ये बुरी बात तो है, पर जस्ट पुट इन योर बेस्ट एफर्ट और बाकी की चिंता मत करो, यानी जो फल मिलता है, जो रिजल्ट आता है उसकी चिंता मत करो। आप फेल भी हुए तो क्या हुआ, आप सेकेंड एफर्ट करो, ठीक है, इससे आपको फायदा होगा। ये नहीं है, क्योंकि जितनी भी जो भी फेलियर्स हैं वो आपकी आने वाली सक्सेस के लिए पिलर्स की तरह काम करते हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं। तो हमेशा ये चीज सोचिए, ये कभी भी नहीं सोचिए कि अरे हमारे कम मार्क्स आ गए और अब हम क्या करेंगे, हम डिमोरलाइज हमको कभी भी नहीं होना है, स्ट्रेस में हमको कभी भी नहीं होना है। पॉइंट नंबर 4, यूज टाइम एज अ लिमिटेड रिसोर्स। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लिमिटेड रिसोर्स, टाइम भी कोई लिमिटेड रिसोर्स है? यस, ऑलवेज जो आपका टाइम है उसको वो बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये सोचिए कि वो टाइम आपके लिए लिमिटेड है। तो टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सबकी लाइफ में लिमिटेड है, उसके सीमित है, उसकी लिमिटेशन है, तो इसको वेस्ट ना करें। जो टाइम चला जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। एग्जाम के समय इसी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखें और अपने टाइम को मैनेज करें। ये नहीं कि जब मन में आया पढ़ लिए, जो सब्जेक्ट जब जो मन करा वो सब्जेक्ट उठाया और पढ़ लिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगर आप, और ये स्ट्रैटेजी कोई दूसरा नहीं बनाएगा, ये स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। कैसे बनानी है कि जो प्लानिंग आप करेंगे, जो टाइम टेबल सेट करेंगे अपने पढ़ने के लिए, उसमें आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास कितना टाइम बचा है और उसके हिसाब से आपको कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं। ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट छूट जाए या किसी सब्जेक्ट की कम तैयारी हो, यानी कि एक सब्जेक्ट जो है उसको तो आपने 5 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको आपने 1 या 1.5 दिन दिया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रिलैक्स होकर प्लान करिए और अपना उस प्लानिंग में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इस टाइम टेबल को डेट वाइज क्रिएट करिए। अगर आपको लगता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कोई, उसके साथ आप हमेशा इजी सब्जेक्ट को, मतलब जो प्लानिंग करने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूं, हमेशा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लीजिए और उसके साथ जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो एक इजी सब्जेक्ट से लीजिए, ताकि आपको भी स्ट्रेस ना हो। आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे और साथ में जो आप टाइम टेबल में ऐड करेंगे वो होगा एक इजी सब्जेक्ट, इससे क्या होगा ये आपको थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में रखेगा, यानी कि आपको प्रेशर नहीं डालेगा ज्यादा। आप सारे टफ टफ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी है और साथ ही जो पुराने सैंपल पेपर्स हैं, जो पुराने जो भी अनसॉल्व पेपर हैं, उनको सॉल्व करते रहिए साथ साथ। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है,
आपको इस टाइम को इस्तेमाल करना है कैसे, एज अ लिमिटेड रिसोर्स। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, आपके मार्क्स से नहीं। कई बार सुन के अजीब सी ये बात लगती है कि ऐसा भी होता है, पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, हमारे मार्क्स से प्यार करते हैं। नहीं, पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, आपके मार्क्स से नहीं। पढ़ने के लिए आपकी डांट पड़ती है, हम सबकी डांट पड़ती है कभी ना कभी, इसमें कुछ नया नहीं है। और जनरली पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि आज का जो कॉम्पिटिशन का दौर है, जो कॉम्पिटिशन का टाइम है, इसमें आप अच्छे से सेटल हो जाएं, आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएं, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, हर जगह आप देखिए। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, जो जॉब का और मार्क्स का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कैसा है, उनको परेशान करता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, या कंपटीशन आप क्रॉस कर सकते हो, कंपटीशन क्रैक कर सकते हो, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और जो भी डिप्लोमा डिग्री जो भी आप हासिल करोगे आगे जाके उसका आपको फायदा ही मिलेगा। और यही चीजें उनको परेशान कर देता है, उनको हमेशा से ये लगता है कि उनका जो बच्चा है वो अगर अच्छा मार्क्स लेकर आएगा तो फ्यूचर में वो कुछ अच्छा कर पाएगा। और अगर वो, क्योंकि यहाँ कनेक्शन है दोनों का, और अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं वो आगे क्या कर पाएगा। और यही चिंता जो है पेरेंट्स को आपको डांटने के लिए मजबूर करती है। ये जनरली देखने को मिलता है मिडिल क्लास फैमिलीज में, तो स्पेशली ऐसी फैमिलीज में ये बातें होती रहती हैं। तो ये सब जो है आपको संभालने के लिए, आपके फ्यूचर को देखकर ही चीजें होती हैं, उसी चीज को लेके पेरेंट्स परेशान होते हैं। अब आपकी स्मार्टनेस किसमें है, आपकी स्मार्टनेस है कि आप अपने पेरेंट्स को समझें कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर करते हैं, आपको उस वर्ल्ड में परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, जहां पे आपको लगे कि आप वहां कहीं सेटल नहीं हो पाओगे, आपका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। यही सब चीजें उन्हें परेशान करती हैं और वो आपको टोकते हैं, आपको पढ़ने को कहते हैं। उनकी इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उनकी इन बातों को देखते हुए आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही वो आपको डांटते हैं और पढ़ने को कहते हैं, पर आपको पता है आप ही उनकी वो दौलत हैं, आप ही सबसे पहले उनकी वेल्थ हैं, मार्क्स नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, मार्क्स से नहीं। पूरा वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। पूरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें क्या करना है, केवल उसके लायक बनना है। हम सब में वही चीजें, अगर हम बात करते हैं, हम सब ने 3 इडियट्स देखी है जो एक मूवी है, और आई होप सबको बहुत पसंद आई होगी। इस मूवी में सबसे खास बात क्या है कि हर एज का पर्सन इसको देखता है और कितनी कितनी बार देखता है और इस मूवी को एंजॉय करता है। और इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो पुरानी सोच थी हमारी, हम उसको कहां लेके जा रहे हैं। पुरानी सोच हमारी क्या थी, बेटा होगा अगर घर में तो वो तो बनेगा इंजीनियर, और बेटी होगी तो वो बनेगी डॉक्टर। मगर अगर हम इसी को रिकनेक्ट करें तो आज की मॉडर्न सोच को अगर देखें, तो इसमें एक और कैरेक्टर था जो कि वर्ल्ड लाइफ की फोटो खींचना चाहता था, क्लिक करना चाहता था, पिक्चर्स लेना चाहता था, वर्ल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, उस जगह पे जाना चाहता था जहां पर जनरली लोग नहीं जाते हैं। तो ये आप देखिए, ये हमारी नई सोच से रिकनेक्ट करता है कि आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब केवल ये नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनका अगर आप, ये नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं उससे नहीं जुड़ पाओगे, आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाओगे। अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके मार्क्स से। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपके मार्क्स से इसका कनेक्शन रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, इवन देन आप कर सकते हो, और आप एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट होकर भी बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी को हम जब आगे देखते हैं तो हमारा लास्ट वाला पॉइंट आता है, और वो आता है जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी भी, यानी कि अपने मेंटल स्ट्रेस को हम जब कम करेंगे तो हमें बस एक ही चीज सोचनी है, मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, अगली बार हम एफर्ट करेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे। यानी कि जो हुआ अच्छा हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम और अच्छा करेंगे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, और आप अगर किसी वजह से आपके मार्क्स कम आए, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको स्ट्रेस नहीं करनी है, क्योंकि अब क्या होता है, यही तो शुरुआत है आपकी, दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। हो सकता है कि आप मेहनत करके डबल सक्सेस आपको मिल जाए, डबल आपको फायदा हो जाए, यही आपकी लाइफ में आगे आपकी ताकत बनेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको सेटल करेगा। और जब आप इन बातों को
आप जब उस एज पे आ जाएंगे और इन चीजों को आप पीछे मुड़ के देखेंगे, ये सारे इवेंट्स जब आप अपनी लाइफ में सोचेंगे, देखेंगे कि कभी ऐसा हुआ था आपके कभी मकम, तो आप आगे भी दूसरों को इंस्पायर करोगे और साथ ही साथ ये इवेंट्स आपको इनकी कद्र होगी, आप इन्हें समझ पाओगे कि काश हमने ऐसा किया है, काश हम ऐसा कर पाए, या काश हमने ऐसा किया होता, बजाय इसके सोचने के हमें वो इवेंट्स हमको मजबूत बनाएंगे, हमें आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें मेंटल स्ट्रेस को कम करती हैं। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और साथ ही आपको अब स्ट्रेस नहीं करना है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के आप इनको फॉलो करिए। आई होप आपको जरूर इसका रिजल्ट आएगा, आपको फायदा होगा, खुश होकर एग्जाम दीजिए, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कीजिए और अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू विल लाइक माय वीडियो, इफ यू विल लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।